हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासरूम प्रेजेंट जजमेंट टू योर स्टडी टिप। जैसे कि मध्य प्रदेश सिविल जज के एग्जाम्स बहुत जल्द कंडक्ट किए जाने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ साथ लेटेस्ट जजमेंट से भी अपडेटेड रहना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे नवंबर मंथ 2020 के सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लेटेस्ट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स आपके साथ आपके स्टडी टेबल पे। सो स्टार्ट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट से। डिफॉल्ट बेल ग्रांटेड एरोनियसली कैन बी कैंसल्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439 क्लॉज 2। सो जैसे कि सेक्शन 167 के अंदर 90 या 60 डेज की रिमांड देने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो अक्यूज के पास डिफॉल्ट बेल पाने के अधिकार आ जाते हैं। पर इस केस में ये चीज़ का डिस्प्यूट था कि जो डिफॉल्ट बेल सेक्शन 167 के अंदर ग्रांट की जा रही है तो क्या उसके ऊपर चैप्टर 33 के प्रोविजन अप्लाई करेंगे या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पंडित डी नॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस को रेफर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जब हम सेक्शन 167 की लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी ये लिखा गया कि द अक्यूज्ड शैल बी डीम्ड टू बी सो रिलीज्ड अंडर चैप्टर 33। इसका मतलब कि जो डिफॉल्ट बेल पे अक्यूज्ड को रिलीज किया जा रहा है, ये माना जाए कि उसे चैप्टर 33 के अंदर रिलीज करा जा रहा है और चैप्टर 33 के सारे प्रोविजंस उस बेल पे अप्लाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फर्दर हेल्ड किया कि अगर कोई भी बेल एरोनियसली या इलीगली पास की गई है तो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट सेक्शन 439 क्लॉज 2 की पावर यूज करके ऐसे डिफॉल्ट बेल को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप सभी को इतनी ही इजी लैंग्वेज में रिमांड का प्रोसीजर समझना है तो आप यूट्यूब पे लॉ क्लासरूम सर्च करिए, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सारे वीडियोस डले हुए हैं, उसे आप ज़रूर देखिए। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल बाय पर्सन हु इज ऑलरेडी रिलीज्ड ऑन रेगुलर बेल। सो सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल पाने का असेंशियल इंग्रेडिएंट ये होता है कि पर्सन को अरेस्ट होने की आशंका होनी चाहिए। इसका मतलब कि वो अरेस्ट को एप्रीहेंड कर रहा हो। तो इस केस में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी बेल पे रिलीज्ड हो तो क्या ऐसा पर्सन अरेस्ट को एप्रीहेंड कर सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बताया कि जब भी किसी पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया जाता है तो वो लॉ की कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में होता है और कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में रहते हुए कोई पर्सन अरेस्ट को एप्रीहेंड नहीं कर सकता। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि जब भी कैंसिलेशन ऑफ बेल के ऑर्डर्स पास होते हैं, इसका मतलब कि जो पर्सन को बेल पे रिलीज कर दिया गया है उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं होता है। ट्रायल विल नॉट बिकम इन कैमरा अनलेस विटनेस आर प्रोवाइडेड कंफर्टेबल एटमोसफेयर टू डिपोज फ्रीली। ये केस सेक्शुअल असॉल्ट से रिलेटेड है जिसमें केरला हाईकोर्ट ने इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्या होती है उसे एक्सप्लेन किया। इस केस में विक्टिम ने ये एलिगेशंस लगाए कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस काउंसिल ने बहुत से डेरोगेटिंग क्वेश्चंस पूछे उस वीडियो से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स के दौरान रिकॉर्ड की गई थी, उस समय कोर्ट के द्वारा बहुत से एडवोकेट्स को इन कैमरा प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहने की परमिशन दे दी गई थी, जो कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का जो पर्पस होता है उसे डिफीट करता है। तो केरला हाईकोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोसीडिंग्स को एक बंद कमरे में कंडक्ट कराना या तो ऐसे लोगों के बीच में कंडक्ट कराना जो उस केस से रिलेटेड है, बल्कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि विक्टिम या विटनेस को एक ऐसा कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना या ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वो फ्रीली अपनी बात कह सके और फ्रीली कोर्ट में डिपोज कर सके। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एन एडल्ट वुमेन इज फ्री टू रिसाइड वेयर एवर शी विशेस एंड विथ हूएवर शी विशेस। इस केस में एक हैबियस कॉर्पस की रिट दिल्ली हाईकोर्ट में इंस्टीट्यूट की गई, जिसमें पिटिशनर ने कोर्ट को यह बताया कि उनकी डॉटर 12 सितंबर 2020 के बाद से मिसिंग है। जब केस की इन्वेस्टिगेशन की गई तो वुमेन को ट्रेस कर लिया गया और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जिसमें वुमेन ने अपने सेक्शन 164 CRPC के स्टेटमेंट में कोर्ट को ये बताया कि वो अपनी फ्री विल से घर छोड़ चुकी है और एक पर्सन के साथ मैरिज कर चुकी है।
एविडेंस के द्वारा कोर्ट ने पाया कि वुमेन की फैमिली वुमेन और हस्बैंड दोनों को थ्रेटन कर रही है, जिसके रेफरेंस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर कोई वुमेन मेजॉरिटी की एज अटेन कर चुकी हैं तो वो जहाँ चाहे और जिसके साथ चाहे रिसाइड कर सकती हैं, और वुमेन और हस्बैंड दोनों के प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत से ऑर्डर्स पास किए। और लास्टली दिल्ली हाईकोर्ट ने यह हेल्ड किया कि फैमिली अपनी अडल्ट डॉटर्स की राइट्स को किसी भी तरीके से वॉयलेट नहीं कर सकती। राइट टू चूज अ पार्टनर ऑफ योर चॉइस अ फंडामेंटल राइट। इस केस में एक कपल के अगेंस्ट FIR लॉन्च की गई जिसमें बहुत से ऑफेंसेस के एलिगेशन उन पर लगाए गए। कपल में से हस्बैंड मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे और वाइफ हिंदू रिलीजन से। जब कोर्ट ने एविडेंस के द्वारा ये प्राप्त किया कि वुमेन की फैमिली दोनों के मैरिटल रिलेशनशिप से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर फेक चार्जेस लगाए गए थे, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बहुत अच्छी बात हेल्ड करी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दो ऐसे इंडिविजुअल्स जो सेम सेक्स से बिलोंग करते हैं उन्हें साथ में रहने की मंजूरी दे दी, उनके मैरिटल रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी, तो क्या ऐसे दो पर्सन जो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो साथ में क्यों नहीं रह सकते। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी बताया कि वो कपल्स को रिलीजन की नज़रों से नहीं देख रहे हैं, वो दोनों को एज अ ग्रोन अप मैच्योर इंडिविजुअल की नज़रों से देख रहे हैं, और जब दो इंडिविजुअल अपनी चॉइस से अपनी विल से और अपनी कंसेंट से साथ में रह रहे हैं तो ना तो किसी थर्ड पर्सन को, ना तो उनकी फैमिली को और ना तो स्टेट को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और अगर कोई भी एक्ट उनके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने के लिए किया जाता है तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वॉयलेट कर दिया गया है। और ये कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राइट टू चूज अ पार्टनर ऑफ योर चॉइस को फंडामेंटल राइट बताया। सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, इंडियन एविडेंस एक्ट। इफ डेथ इज कॉज्ड विद इन प्राइवेसी ऑफ हाउस, ओनर्स इज ऑन रेसिडेंस टू गिव एक्सप्लेनेशन। ये एक मर्डर केस है जिसमें वाइफ की डेथ कॉज कर दी गई थी और जहाँ से वाइफ की बॉडी मिली थी वो उसके इन लॉज का घर था, और एविडेंस के द्वारा ये चीज़ पता चली थी कि वो इन लॉज का हाउस ऐसी लोकेलिटी में जहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन उस घर में आके वाइफ की डेथ कॉज कर देता। तो बच्चे उस घर के रेसिडेंस, मतलब वाइफ का हस्बैंड और उसके इन लॉज, तो इन तीनों के ऊपर सेक्शन 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का बर्डन ऑफ प्रूफ लगाया गया कि उन्हें स्पेशल नॉलेज होगी कि किस रीज़न की वजह से वाइफ की डेथ हुई है। और जब सेम क्वेश्चन हस्बैंड और इन लॉ से पूछा गया तो वो कोई भी जस्टिफिएबल रीज़न नहीं दे पाए या आंसर नहीं दे पाए। और ये केस सरकमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंडेंट था, जिसमें मेन एविडेंस डिसीज्ड के ब्रदर ने दिया था कि बहुत साल से वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी की जा रही थी उसके इन लॉज और हस्बैंड के द्वारा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को वाइफ के मर्डर के लिए गिल्टी पाया। हाई कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन कैनॉट रीअप्रिशिएट एविडेंस लेड ड्यूरिंग डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। इस केस में RPF के सब इंस्पेक्टर के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान नेग्लिजेंट वे में एक्ट किया, जिसकी वजह से रेलवे बोर्ड को बहुत सा फाइनेंशियल नुकसान हो गया। रेलवे बोर्ड ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के बाद सब इंस्पेक्टर को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। और इस डिसीजन के अगेंस्ट जब हाईकोर्ट में अपील लगाई गई तो हाईकोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। और फाइनली जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी स्टेट्यूटरी अथॉरिटी अपनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में कोई डिसीजन लेता है तो उसे हाई कोर्ट अपनी आर्टिकल 226 एंड 227 की पावर्स को यूज़ करके रिवर्स नहीं कर सकता, और उस केस में दिए गए एविडेंस को रीअप्रिशिएट भी नहीं कर सकता, और साथ ही साथ अगर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में कोई एरर किया गया तो उसे भी करेक्ट नहीं कर सकता जब तक वो एरर बहुत ग्रेव नेचर का ना हो। सो आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सिविल प्रोसीजर कोड। हाई कोर्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हाइल डिसमिसिंग सेकेंड अपील। सेक्शन 100 हमें बताता है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट अपील के जजमेंट से एग्रीव्ड है तो उसकी सेकेंड अपील हाई कोर्ट में लगा सकता है, साथ ही साथ उसे मेमोरेंडम में अपने केस के सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करके हाई कोर्ट को देना पड़ता है। और अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि उस केस में ऐसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एग्जिस्ट करते हैं तो वो सेकेंड अपील को अलाउ करता है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फॉर्मुलेट कर देता है। पर इस पर्टिकुलर केस में
पिटिशनर की सेकेंड अपील रिजेक्ट कर दी गई थी, जिसके अगेंस्ट पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने उनकी सेकेंड अपील को रिजेक्ट कर दिया है और ना तो उन्होंने कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट किया है, जिसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जब हाई कोर्ट सेकेंड अपील अलाउ कर रहे हैं सिर्फ ऐसी सिचुएशन में उनके लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करना मैंडेटरी होता है, और जहाँ पे वो सेकेंड अपील को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ्रेम करना मैंडेटरी नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, लिमिटेशन एक्ट। टू इन्वोक सेक्शन 17, एग्जिस्टेंस डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड हैव टू बी प्लीडेड एंड प्रूव। सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि अगर रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई सूट फ्रॉड या मिस्टेक पे बेस्ड है, तो ऐसे सूट की लिमिटेशन पीरियड तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक इस फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में प्लेंटिफ को पता नहीं चल जाता। और अगर प्लेंटिफ को इस चीज़ का बेनिफिट लेना है, तो कोर्ट ने एक असेंशियल इंग्रेडिएंट और ऐड कर दिया इस केस के द्वारा। कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ को इस चीज़ की डिस्कवरी तो करनी पड़ेगी कि सूट में फ्रॉड है या मिस्टेक है, पर साथ ही साथ प्लेंटिव को कोर्ट में इस चीज़ को सेटिस्फैक्टरीली प्रूव भी करना पड़ेगा, तभी बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पे शिफ्ट होएगा और प्लेंटिव सेक्शन 17 का बेनिफिट ले पाएंगे। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, इंडियन पीनल कोड। रेप एंड मर्डर ऑफ 2.5 ईयर्स ओल्ड नाइस, इंजरी नॉट विद इंटेंशन टू एक्सटिंग्विश विक्टिम्स लाइफ, सुप्रीम कोर्ट कम्यूट्स डेथ सेंटेंस। ये एक रेप एंड मर्डर केस है जिसमें 2.5 ईयर्स ओल्ड नाइस का रेप करके डेथ कॉज कर दी गई, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अक्यूज को डेथ सेंटेंस से पनिश किया और हाई कोर्ट ने अपील में डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया। पर जब ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को रेफर करते हुए उस केस में दिए गए रेयर ऑफ रेयरेस्ट टेस्ट को इस प्रेजेंट केस में अप्लाई किया और ये पाया कि अक्यूज ने जो इंजरीज डिसीज्ड को पहुंचाई थी वो उसकी डेथ कॉज करने के इंटेंशन से नहीं पहुंचाई थी, इसलिए केस मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है और अक्यूज डेथ सेंटेंस डिजर्व नहीं करता। और जब बात उठी कि सेक्शन 376A में भी डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जिस दिन ये ऑफेंस कमिट किया गया था उसके कुछ दिन पहले ही सेक्शन 376A इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट किया गया था, इसलिए अक्यूज को डेथ सेंटेंस देना सही नहीं है और अक्यूज के डेथ सेंटेंस को 25 ईयर्स ऑफ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया।